हेलो व्यूअर्स, ये पतौड़े की या अरबी के पत्तों की सब्ज़ी है। इसे बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा इमली का पल्प लिया है, 1 टेबल स्पून के लगभग, और इसको पानी में डालकर अच्छी तरह से छान लिया है। ये 2 कटोरी बेसन लिया है मैंने, और ये अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। इसके ऊपर डाला है मैंने थोड़ा सा नमक, लाल मिर्च का पाउडर 1 टेबल स्पून, और 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, ये धनिया पाउडर, और थोड़ी सी अजवाइन डाल दी है। इस सबको अच्छी तरह से मिलाकर मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसका गाढ़ा सा पेस्ट बना लूँगी। इमली का पल्प हमने इसलिए डाला है जिससे कि ये पत्ते गले में खुजली ना करें। इसकी खुजली मिटाने के लिए हमने इसके 2 टिप्स आपको दी हैं। एक तो ये है कि आप इमली का पल्प डालें, दूसरा ये है कि इसकी नर्व को सावधानी से निकाल दें। यही 2 चीज़ें हैं जो गले में खुजली पैदा करती हैं, तो जितना हो सके उतना निकाल दीजिए। ज़्यादा बारीक नसों को निकालेंगे तो पत्ता फट सकता है, इसलिए मोटी मोटी नर्व्स निकाल दीजिए। उसके बाद इस पेस्ट को पत्ते पर अच्छी तरह से चारों तरफ से स्प्रेड कीजिए, और इसके बाद सावधानी से धीरे धीरे करके इसका रोल बना लें। अगर ये बीच में से फट भी जाता है तो घबराए नहीं, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आपके पतौड़े की सब्ज़ी बहुत ही अच्छी बनने वाली है। अब इसको हम एक भगोने में पानी लेकर उसके ऊपर से एक चलनी रखेंगे और इसको स्टीम देंगे। जब इनका ऐसा कलर हो जाए, इतना डार्क, तब हम इसके ऐसे पीसेस काट लेंगे और इनको तेल में फ्राई करेंगे, और करारा होने तक या एकदम रेड होने तक इनको अच्छी तरह से सेक लीजिए। अब आप इन्हें ऐसे भी खाएंगे तब भी गले में खुजली नहीं करेंगे। इन सबको अच्छी तरह से सेक कर मैं निकाल लूँगी, क्योंकि मैं सब्ज़ी बना रही हूँ, इसलिए सब्ज़ी में क्या क्या पड़ेगा ये भी मैं आपको अभी बताऊँगी। अब 1 टेबल स्पून ऑयल गरम करके उसमें हींग जीरा डालकर, ये मैंने 1 कप प्याज का पेस्ट और 1 कप टमाटो पेस्ट डालकर अच्छी तरह से भून लिया है। जब ये तेल छोड़ने लगे तो इसमें 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून जीरा पाउडर और 1 टीस्पून धनिया पाउडर डालकर, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर डालकर थोड़ा सा पानी डालूँगी। जब ये इस तरह से कलर छोड़ने लगेगा तो मैं इसमें 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर, 1/2 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून चीनी डालकर अच्छी तरह से खदकाऊंगी। ये लीजिए, हमारी बहुत ही टेस्टी अरबी के पत्तों की सब्ज़ी तैयार है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।